सतवीर सिंह मनाज जी, ये कहते हैं हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की, पर खुले आम देखिए आम आदमी पार्टी का। अब देखिए आम आदमी पार्टी का जो ये देखिए सतवीर जी, आप ही है ना, हम जानना चाहेंगे आपसे, ये आप ही हैं? ये हाँ मैं हूँ। तो फिर आप क्या कहते हैं? तो आप देखिए ना, आप भी रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने तो ये मुझे फंसाने वाला सवाल पूछा ना। फंसाने वाला तो नहीं, आपने तो ये मुझे फंसाने वाला सवाल पूछा ना। फंसाने वाला तो नहीं, कमाल की बात। दो मिनट रुके, ये देखिए इसमें जो एक शख्स खड़ा है उसका नाम सतवीर सिंह मनास है और वो शख्स मैं हूँ। बिल्कुल, हमने बिल्कुल ये हमने भी तो यही बोला, ये गंदी राजनीति। नमस्कार, दैनिक शिव ट्राइब में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कुछ शुरू में हमने आपको फोटोग्राफ्स और विजुअल बताए हैं, और वो विजुअल क्या दर्शाते हैं उस बारे में भी बात करें। फिलहाल जिस तरह से बताना चाहेंगे आपको, सिद्धू मूसेवाले की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई उसके चलते पूरे देश में बवाल देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है विपक्षी दलों ने, और जम्मू की बात करें एक जोरदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, जहाँ पर उन्होंने घेराव किया आम आदमी पार्टी का। वहाँ पर जो फ्लेक्स बोर्ड लगे थे जिस पर केजरीवाल की तस्वीर थी, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की। अब हमारे साथ खुद को कहने वाले के सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी हैं सतवीर सिंह मनाज। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में कि कांग्रेस ने जो कदम उठाया उन पर अब एफआईआर भी लग चुकी है। क्या कहना कि उस कदम को क्या कहेंगे कि रोष, जो रोष देखने को मिला। सबसे पहले जो विजुअल उस पर भी गौर करिए, और इनके बयानात किस तरह से मैच खाते हैं उस पर भी गौर करिए। जी सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला आपका शुक्रिया, और दूसरा आपने कहा अपने आप को ये सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। देखिए अपने आप से कुछ नहीं होता, और मैं कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि मैंने महात्मा गांधी जी की तरह बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। मुझे जो मौका मिला, जितनी मैं किसी की बात कर सका, किसी की बात उठा सका, वो मैंने उठाई है। किसी ने रात को फ़ोन किया, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना किया। मैंने बातों का बखान नहीं किया, राई का पहाड़ बना के कभी नहीं दिखाया। बड़े लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं कि क्या किया क्या किया, जो जिसने किया होता वो उसको ही पता होता है। जानना चाहेंगे आज जो कांग्रेस ने किया आम आदमी पर, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया लगातार लताड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अगर क्या क्या वजह है? देखिए कांग्रेस ने जो किया उसका तो डेमोक्रेटिक राइट है ना, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप उसके नेता को मारते हो, सरेआम गोलियां चलती हैं, आपकी सरकार है, और आपकी सरकार जब लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि देखिए भाई ये जो बंदे हैं इनकी हमने सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, आइए अपना हिसाब किताब समेटिए इनके साथ। कौन सी सरकार इतनी नालायक नकारा नली होगी जिसके दिमाग में इतना नहीं है कि सिक्योरिटी रीजंस में किसी को नहीं डाला जाता, ओपनली किसी को नहीं बताया जाता। वो बताते हैं, वो बताते लोगों को क्यों है, ताकि आम जनता जो सीधी साधी जनता है उनको लगे कि देखिए कितने महान इंसान हैं और कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले जब बात हुई थी हर्षदेव जी से, ये बात सुनी थी कि वो भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, मनकोटिया जी भी जा रहे हैं, तो आप बड़े वफादारी से कहते थे जहाँ वो जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊँगा। अब वो लोग तो चले गए, पर लगातार आप आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, आखिर क्या वजह कि आपके खुद के नेता जिनके आप बड़े प्यार करते सराहते हैं वो उस पार्टी में गए हैं, पर आपको किस बात की मन में जो है एक कहेंगे कि लगातार आप उसे कटघरे में खड़ा करो, आम आदमी पार्टी को जमकर धोते हैं, जमकर उनके खिलाफ वर्जी करते हैं? देखिए मेरी सबसे पहली बात सुनिए, आपने कहा था हर्षदेव जी मनकोटे जी, देखिए मैं हर्षदेव जी के साथ तो मैंने कभी वायदा किया नहीं था कि जो मैंने वादा तोड़ दिया। मनकोटिया जी के साथ तो मनकोटिया जी के साथ भी मैंने वादा नहीं किया था, मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर मनकोटे जी किसी पार्टी में जाएंगे तो हम उनके साथ जरूर चलेंगे। और रही बात इस पार्टी की, हम चले आपने देखा भी होगा, नहीं आप ज्वाइनिंग नहीं, आपने मुझे देखा होगा एयरपोर्ट पे, हमने उनका स्वागत भी किया, वेलकम भी किया। अगर आपने सब कुछ किया, जब हमने देखा कि इसकी नीतियां जो है नहीं पसंद आई तो जबरदस्ती तो है नहीं, मतलब सुनिए ना, कल भी किसी ने कमेंट किया था कि ये चेला कैसा जो अपनी गुरु की इज्जत नहीं करता। जनाब मैं चेला जरूर हूँ लेकिन मैं चापलूस नहीं हूँ। चापलूस होंगे जो चापलूसी के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि किसी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, दामन थामना है, वो थामना है। ये बड़े लोग सवाल पूछते हैं कि ये किस पार्टी में है, थामना या थाम लिया चोरी छुपे। अभी चोरी छुपे क्यों, मेरी बात सुनिए, ये आप ये डोगरी में कहावत है वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चोरी छुपे क्यों थामना है? कोई आपने कोई गैर कानूनी काम करना है जो रात के अंधेरे में आपको करना है? जब पार्टी पकड़नी है तो लोगों को विश्वास में लेके पकड़नी है। आप ऑन कैमरा कर रहे हैं, आपने कोई पार्टी नहीं पकड़ी हुई, कोई अभी पार्टी नहीं पकड़ी, 10-15 दिन देखो वेट है, वेट एंड वॉच की स्थिति में हूं। हम ना सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं अपनी जनता को,
ये जनता गौर से जरा देखिए, ये तस्वीर यही है जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, सतवीर सिंह मनाज जी। ये कहते हैं हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की, पर खुले आम देखिए आम आदमी पार्टी का। अब देखिए आम आदमी पार्टी का जो ये देखिए, सतवीर जी आप ही है ना, हम जानना चाहेंगे आपसे, ये आप ही हैं? ये हाँ मैं हूँ। तो फिर आप क्या कहते हैं? तो आप देखिए ना, आप भी रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने तो ये मुझे फंसाने वाला सवाल पूछा ना। फंसाने वाला तो नहीं, आवाज सुननी पड़ेगी ना, मेरी सुनिए, अब सुनिए। आपने ये फोटो ढूंढा, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके दिल में था, आपने फोटो छुपा के रखा था, आपने इंटरव्यू के बीच में दिखाना था, आपने दिखा जनता के सामने आ गया, जनता के सामने। अभी मैं बता, बोल सकते छुपा के रखा, मीडिया का काम छुपाना नहीं, मीडिया का काम है सच्चाई को सामने लाना। आपने कहा हम मीडिया सच्चाई सुनती नहीं है, सुनी सुनी बिल्कुल सुनती है, जनता भी सुनती है, हमारा काम है, वही तो कह रही हूं। शायद आपको अच्छा नहीं लगा, हम नहीं 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 हमारे पास कमाल की बात। दो मिनट रुके, ये देखिए इसमें जो एक शख्स खड़ा है उसका नाम सतवीर सिंह मनास है और वो शख्स मैं हूँ। बिल्कुल हमने बिल्कुल ये बिल्कुल, ये ये हमने भी तो यही बोला, ये गंदी राजनीति नहीं, 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 नहीं। अब इसका सतवीर जी अब सुने, मीडिया कर्मियों को आप राजनीति के साथ मत जोड़िए। नहीं अब मैं बात बता सकता हूँ, जब राजनीति के साथ आप कैसे कह सकते हैं गंदी राजनीति, ये नेताओं का काम है, पार्टी बदलने वालों का काम है, कभी इधर कभी उधर, मीडिया कर्मियों का काम नहीं। मेरी बहन जी आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरे को बोलने देंगे, ठीक है? आपने देखा ये सतवीर सिंह है, आपने कहा कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, मैंने ये भी बताया कि मैं बलवंत सिंह मनकोटे जी के स्वागत में भी गया था और ये आपने सिर्फ ये फोटो दिखाया, वहाँ पे मैंने नारे भी लगाए हैं, लेकिन जब मेरे को असेसमेंट हो गई कि ये पार्टी नहीं सही है, नहीं चलेगी, मेरा दिल चढ़ गया तो मैंने कह दिया, और उसी दिन के बाद मैंने बोल दिया कि नहीं भाई मैं इस पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करता। गलती किससे होती है? आप फिर ये भी नहीं कह सकते ना, आपने टोपी डाली है, आम आदमी पार्टी की नहीं, सुनिए, आम आदमी पार्टी की टोपी डाली है, आम आदमी पार्टी का पटका पटा गले में डाला, पटका जिसको बोलते हैं, तो वो तो किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना पहना होगा, गन पॉइंट पे थोड़ी ना पहना, वो तो अपनी इच्छा से आपने पहना होगा। ये जो आपने दृश्य बताया ना, तो मेरे साथ में जो खड़े हमारे पास है। वीडियो भी होगी ना, आप वीडियो भी चलाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। उसी दिन के बाद आपने कितने इंटरव्यू मेरे सुने, हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा ना कि भाई मैं किसी ने पूछा क्या हो गया रातों रात, आप लोगों का रात नहीं, ऐसा ये हो गया जब खालिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए। कहाँ लगे नारे? आप क्या कहते, पंजाब में नारे लगे, काली माता के मंदिर पे हम सुनी सुनी, हम जम्मू कश्मीर की बात देखी, बस यही बात है, आपने जम्मू कश्मीर को बांट दिया। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर की आपने जम्मू की बात करें, फिलहाल आप जम्मू की बात कीजिए, जम्मू में भी मतलब आप अगर भगवत मान ने 35,000 डेली वेजर को पक्का वहाँ कर दिया, हम क्या कहें, जम्मू में पक्का कर दिया। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, फिर अपने आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनेंगी नहीं तो मैं आपकी बात पर। आपने कहा कि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, हम उस पर आ रहे थे कि आपने पार्टी ज्वाइन देख लिया कि आम आदमी पार्टी का मेरे पास कोई कार्ड है या मैंने कोई आम आदमी पार्टी का नाम लेके कोई इंटरव्यू किया है, ये फोटो देखा है ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी कौन सा प्रमाण चाहिए कि अगर मनकोटिया साहब ने टोपी पहनी है, पटका जो गले में डाला है, तो वो आपको लगता है आम आदमी पार्टी के नेता है, बन रहे नेता? अब इन्होंने डाला आप क्या कहें, ये नहीं है तो इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इस पार्टी में नहीं हूँ, जिन्होंने डाला है वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इस पार्टी क्या में जबरदस्ती नहीं, मैं सिर्फ जबरदस्ती नहीं डाला, वहाँ पे बैठे हुए थे, किसी ने अगर मजाक में टोपी डाल दी। अच्छा तो ये कह रहे हैं अब कोई बैठा है मजाक में डाला, यानी आम आदमी पार्टी में मजाक में टोपियां भी डाली जाती है और गले में पटके भी डाले जाते हैं, ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ जब बैठे हुए थे तो ठीक है, उस पर किसी ने कहा कि डाल लो, हालांकि मेरी तो मर्जी नहीं थी, उन्होंने डाली तो डालने में फोटो खिंचवा लिए। मेरी बात सुनिए, आप देखिए कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए, कई लोगों के पास टोपियाँ होंगी, अगर वो आम आदमी पार्टी की टोपी डालते तो इट मीन्स वो क्या सभी आम आदमी पार्टी में हो गए? हर बंदा जो आम आदमी पार्टी की टोपी डाल लेगा वो आम आदमी पार्टी का हो गया। आपने एक बड़ा बहुत बड़ा बयान दे दिया, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा ले कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों की पार्टी, वहाँ खालिस्तान के नारे लगते हैं, खालिस्तान से क्या मतलब? आपके जो चहीते नेता हैं, आपके चहीते नेता जिनके लिए आपने कस्मे वादे खाई थी, जहाँ वो जाएंगे हम जाएंगे, सुनिए आपने खाए थे, मीडिया में साफ रिपोर्ट हमारे पास पूरे तथ्य पड़े हैं, सुनिए। अब वो कह रहे हैं वो भी तो उसी पार्टी में, आप क्या लगता है आपको वो भी खालिस्तानी है? वो भी खालिस्तानी है, पार्टी को खालिस्तानी कहा नहीं, आपने कहा नारे लगते हैं, नारे लगते कौन लगाते हैं नारे, बात से तो हाथ थोड़ी, पंजाब में नारे लगे ना, मैंने ये कहा, मैंने पार्टी को तो खालिस्तानी नहीं ना कहा। अब आप कह रहे हो कि आपने कह दिया आपके नेता भी खालिस्तानी, कैसे हो गए? मैंने नेता का नाम लिया, किसी का नाम लिया, ये तो आप बता रहे हैं ना कि आपने कह दिया तो हो गया, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पर जो सच सामने वो तो उसके कहने से बता दिया, सच सच वीडियो है आपके पास, हमारी फोटोग्राफ्स है जहाँ पर आपने मनकोटिया जी के साथ, हम कहेंगे मनकोटिया जी के साथ आपने टोपी भी डाली, आम आदमी पार्टी का पटका भी गले में डाला, अब क्या समझा जाए कि वो नहीं, आप उस पार्टी से नहीं है?
नहीं मैं नहीं हूँ, मैंने तो उसी दिन के बाद बोल दिया ना। अब आप फोटो नहीं, नहीं मेरे पास ये उन्होंने कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं नहीं बिलोंग करता हूँ, ये तो मैंने 50 बार पहले भी कहा और 50 बार इसके खिलाफ इंटरव्यू दिया है, लेकिन आपने फोटो दिखा के फिर से नए सिरे से चलाने की कोशिश की, इससे कुछ नहीं होगा। कल भी आप हमारा तो काम बिल्कुल कल भी ये बोलूंगा मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अब ये मेरी बात मतलब की जो बड़े बड़े मजाक था, जो बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़ देते हैं, रोज पार्टियां बदल देते हैं, जो छोड़ देते हैं तो मतलब उनका ठीक होता है। हमने वो भी तो उनसे भी तो सवाल किए, वो भी तो नहीं, वो तो नहीं ये कहते कि हम इस मनकोटिया जी कहेंगे मैं इस पार्टी से नहीं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, फिर आप ये मत बोलिए ना वो नेता नहीं बोलते, हम तो उनसे भी सवाल करते हैं। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं सरेआम बोल रहा हूँ, मुंह फाड़ के बोल रहा हूँ मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ। आप ये फोटो 50 बार बताइए, क्या होता है, इंसान से गलती होती है, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, मानते आप बताइए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए, आपने ये जो फोटो दिखाया दिखा दिया, ये फोटो कितनी अखनूर की जो ये उसकी फोटो है, फिर आपका झूठ है ना, आपको भी जानकारी पूरी नहीं है, ये अखनूर का, अखनूर का फोटो है, ये अखनूर का फोटो है, आपको बता रैली भी जो फोटो है वो भी हमारे पास, ये अखनूर का नहीं है, ये दिल्ली का फोटो है, ये अखनूर का फोटो नहीं है, जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। जो अखनूर में यही कुर्ता डाला हुआ है सतवीर जी, रैली का जो वीडियो है हमारे पास, मैंने कौन से कलर का कुर्ता डाला था, मेरे को ग्रीन कलर का, ये देखिए ये कौन सा कुर्ता है, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, देखिए कौन सा कलर, हमने वीडियो की बात की, इसकी बात नहीं की अब, हमने अगर दी, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने पार्टी नहीं जान के फिर दिल्ली क्या लेने गए थे आप? दिल्ली में गया था, मेरी बात सुनिए, आपने पार्टी नहीं जान के, आपके जम्मू की तो छोड़िए, आप दिल्ली जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना, आप दिल्ली तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा, आप सुनेंगे नहीं जवाब कैसे मिलेगा, सुन रहे हैं ना, और भाई साहब आपको बताने आ रहे हैं, शायद इसकी कमेंट सेक्शन में ज्यादा चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिल्ली गया था, किसी की शादी का कार्ड आ गया, मैं जनता का जन्म में गया हूँ, किसी की शादी में गया, मैंने वहाँ पे जाके पूरा एंजॉय किया, मैंने वहाँ पे जाके कहते डोगरी बड़के भी मारी, सब कुछ किया, इट मीन्स ये नहीं ना कि शादी मेरी होगी, शादी तो उसकी हुई जिसकी हुई, पर जब अच्छे कपड़े पहने होंगे, सेहरा वेहरा बना होगा, लोग तो सोचते हैं, तो मैंने डाला नहीं था, नहीं टोपी तो नहीं डाला था, आप मिसाल दे रहे हैं, भाई मेरे हम मिसाल कोई कर रहे हैं ना, कि आपने कहा कि मैंने वो, नहीं नहीं आप कह रहे हैं शादी में गया, आपने भी तो उस पार्टी तो मैंने जिस आपने कहा था आपने कस्मे वादे कर रहे थे, तो कस्मे वादे हमने निभा भी दिए, हमने कंधों पे भी उठाया उनको, बिल्कुल हमने नारे भी लगाए, हमारा जो फर्ज बनता था हमने निभा दिया, और आज भी हम बोलते हैं वो अच्छे नेता हैं, हमारा जो फर्ज निभा रहे हैं, हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी के साथ हम नहीं है, तो वो भी एक पहलू हमारा, हम उसके साथ नहीं है, बंदे के साथ हम आज भी खड़े हैं, नेता के साथ आज भी, नेता के साथ आज भी खड़े हैं, आप दिल्ली गए थे, तभी गए थे, टोपी भी डाली थी, पटका डाला था, बट दिल के साथ नहीं डाला था, क्योंकि हालात वहाँ पे जो मीडिया वाले जम्मू वाले गए थे ना, वो उनसे भी पूछेगा कि वहाँ के हालात देख के आपको क्या लगा, ठीक है, तो कोई सियाना बंदा जल्द मत दिंदा डोगरी बिच, उसी समझी आना चाहता, मैं उसी वक्त समझ गया, और मैंने उसकी बात ही कह दिया कि भाई मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये फोटो आप 100 साल के बाद निकालोगे, 50 साल के बाद, 10 दिन के बाद, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था वो चला गया, ये फोटो भी चला गया, जिसने देखना था देख लिया, और जिन्होंने उन्हें देखा वो ये भी समझ गए होंगे सतवीर सिंह बंदा चापलूस नहीं है जो पे लिपा पोती करेगा, ये बंदा मैं ही हूँ, और मैं ही ये बोल रहा हूँ, हमने बताया मैं टोटल बायकॉट करता हूँ आम आदमी पार्टी को, उसकी नीतियों को, लगता है सतवीर जी कुछ आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी सारे नाराज हैं, अपने नेता से नाराज नहीं है जिनके साथ इन्होंने कहा कि जहाँ वो जाएंगे जाएंगे, पर हाँ आम आदमी पार्टियों की नीतियों से परेशान है, अब वो नीतियां क्या है, किस तरह की, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाएंगे ना, जो नीतियां आम आदमी पार्टी का जो सरकारों में चल रहा है ना, उससे परेशान कहीं ना कहीं आप, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी से दुखी है क्या, जो लोग सड़कों पर हैं आए दिन, जो हालात कल पंजाब में बने ना, जो हालात पंजाब में बने, जो सड़कों पे है ना, सड़कों पे, उनके लिए भी दुखी हूँ, आप मेरे सारे इंटरव्यू निकालिए, कहाँ पे मैंने एनएचएम का नाम नहीं लिया, कहाँ पे मैंने रैबरे खेल, रैबरे जरात, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, मैं किन के लिए नहीं बोला, अगर मेरे बोलने से किसी की नौकरी लगती है तो मैं आज यहीं धरने पे बैठ पार्टी का दामन थामने वाले, ये बताइए, बड़ी जल्द थामूंगा और बता के थामूंगा, आपने ये फोटो बताया, मैं कहने को इनकार भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कैसे इनकार, वीडियो पड़ी हुई है, पर वीडियो जो है वो तो ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है, ऑथेंटिकेट प्रूफ कराई उसकी भी आप फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग क्या हमें दिखाना है, अगर जिसको अगर आपको आपत्ति आप करा सकते हैं। अब एक बात सुनिए, ये टोपी सतवीर सिंह ने डाली है ना, और सतवीर सिंह ही कह रहा है कि बे भाई इस पार्टी की नीतियों के खिलाफ हूँ, और मैंने उसी दिन से कहना शुरू कर दी थी, टोपी दी उतार दी थी, अगर कभी आप मेरे घर में इंटरव्यू लेने आएंगे ना, तो मैं आप उसी अलमीरा के पास बैठ के इंटरव्यू करूंगा जिसमें इतनी टोपियां पड़ी हुई हैं, कौन सी वाली आम आदमी, यही हाँ, तो मैंने उसी दिन बस बक्से में बंद कर दी, क्योंकि ये काबिल ही नहीं है, और इनके पास सेंस ही नहीं है, ये जैकपॉट से बनी हुई पार्टियां हैं।
हैं, ये अन्ना आंदोलन से बनी हुई पार्टियां हैं, ये स्ट्रगल के साथ नहीं बनी। होता है, हर बंदे को होता है, जब सलमान खान की मूवी लगती है ना तो ट्रेलर में सबको लगता है कि मैं भी सलमान खान हूँ, लेकिन जब बाहर निकलता है उसको पता चल जाता है कि मैं सलमान खान नहीं हूँ। रियलिटी जो है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, आम आदमी पार्टी ने जो अगर कल जो पंजाब में हुआ, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर था? चलो ठीक है, फोटो भी मैंने अपनी मान ली, मेरा सिक्योरिटी फेलियर था, फेलियर तो सरकार का था ना, तो किसी ने बोला नहीं, ये सरकार आपको तो किसी ने बोला नहीं, यही रीजन आप कटाक्ष करते हैं, इसलिए आपसे बात मैं कटाक्ष आपने एक बड़ी जबरदस्त चीज रखी थी आपकी, मैं दाद देता हूँ आपके जर्नलिज्म की, आपने पता नहीं ये फोटो कहाँ से ढूंढा, और मैंने वीडियो भी मेरे पास ये फोटो जी, मीडिया कर्मियों का काम है, काम है सामने लाना, हम ये नहीं कहते, आपकी मर्जी है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो सवाल आपने मुझसे किए हैं ना, ये सभी पीछे मीडिया वाले बैठे, ये जो आपने मुझसे किए हैं और मेरे मुंह पे अभी स्माइल है, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ, ना ही चापलूस हूँ, ना ही नल्ला हूँ, ना ही निकम्मा हूँ, लेकिन लेकिन किसी और नेता से अगर आम आदमी पार्टी में ऐसे सवाल अगर आप करते ना, तो आपको कैसे जवाब मिलते? ये रश्मि जी भी अच्छे से जानती है और ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ। सवालों का सवाल करना हमारा अधिकार है, हमारा ड्यूटी है, वो हम करते हैं। अगर कोई दुखी होकर भी करेंगे, वो भी हमने जनता के सामने लाएंगे। अगर आप खुश करके करेंगे तभी हम लाएंगे। आपके जर्नलिज्म की मैं दाद देता हूँ, जो फोटो मेरे पास नहीं है वो आपके पास है, और ये आपको सतवीर सिंह एक चीज बताना, थैंक यू नहीं, और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सतवीर सिंह आज यहाँ पे है, कल किसी भी मुकाम पे होगा ना, तो आपको यूं ही हंस के मिलेगा, इसमें अहंकार और घमंड की बिल्कुल भी झलकी नहीं होगी। और ये इन लीडरों को बताना चाहता हूं, हंसते हंसते इंटरव्यू दे, किसी भी पार्टी में जाएं, और हमें इसी तरह आप भी सबको ऐसे ही दिखाएं, देखे कौन सा नेता ही हम दिखाते हैं, वो जनता बलि बांधती जाती है, उसका कोई प्रमाण देने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी जनता मुझसे खुश होगी कि इस बंदे ने देखो कितना बेबाकी से जवाब दिया, बिल्कुल कोई चापलूसी नहीं की मैंने, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा आप गलत हैं, सतवीर जी आप मेरी बहन हैं, आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हो तो राजनीति करनी ही क्यों है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनास, बड़ी खुशी से इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, और देखिए इंटरव्यू, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। जब आप किसी को कटाक्ष करते हैं, अगर उसी के साथ कल को आपका कोई भी ऐसी वीडियो या पिक्चर वायरल जो ये बताता है कि आप उसी पार्टी से, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उन तथ्यों को सामने लाना। वो वीडियोस, वो फोटोग्राफ हमारे पास थे, क्योंकि जिसमें आम आदमी पार्टी की टोपी डाली, गले में पटका डाला है, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बन जाती थी, एक तरफ आम आदमी के साथ है उनकी रैलीज में, और दूसरी तरफ अब लगातार आम आदमी के खिलाफ धावा बोले हैं। आखिर क्यों? वो सतवीर सिंह मनास जी ने माना कि बेशक मैं गया था, किसी ने ऐसे ही डाल दिया, पर मैं दिल से आम आदमी पार्टी के साथ ही, अपने नेता के साथ है, पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।